गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह। जो हमारी वीडियोस चल रही हैं सारी थ्योरीज़ के ऊपर, वो आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं, वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। एक दो थ्योरीज रह गई हैं, जैसे मैंने आपको बंडूरा की थ्योरी बताई थी, तो वो वाली सोशल लर्निंग पे डिपेंड है, वो हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाद। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सीखने में पटा, यानी कि पिल्टन इन लर्निंग। तो ये क्या होता है, जब हम लर्निंग करते हैं, आपको पता है कि जो लर्निंग होती है आप वो स्टेप वाइज करते हैं, बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट भी होते हैं, जो एक सीखने की प्रक्रिया होती है या विकास की दर होती है, वो भी वन बाय वन स्टेप वाइज स्टेप होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब लर्निंग होती है बच्चे की, तो वो सबसे पहले एक स्टेप पे होता है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे करके कि बच्चे ने यहाँ पे ए बी सी डी सीखी, देन ए बी सी डी को करेक्ट करके उसने वन वर्ड सीखे, फिर टू वर्ड सीखे, फिर उसने सेंटेंस बनाना सीखा। तो ऐसे करके वो लर्निंग करना सीखता है। तो पठार क्या होते हैं, प्लुएंटेंस, यानी कि उसके बीच में जो एरर्स आते हैं ना वो होती है, मतलब जो आपके लिए एक सीक्वेंस रेडी किया गया है सीखने की, जो लर्निंग्स है उसके अंदर जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो रुकावटें आती हैं, क्योंकि लर्निंग कई बार ऐसे नहीं होता कि आप सीक्वेंसली सीखते चले जाएं, उसमें भी कई बार रुकावटें आ जाती हैं कि आपने थोड़ा सा सीखा, देन उसके पास कोई ना कोई एरर आ जाता है कि आप नहीं सीख पाते हैं किन्हीं रीजंस की वजह से, फिर थोड़ा सा और सीखा फिर नहीं सीख पाते हैं, या कुछ बच्चों के साथ ऐसे होते हैं कि वो कंटिन्यू सीखते ही रहते हैं। तो ये कर्व्स दिए गए हैं हमारे एजुकेशन लर्निंग के अंदर, आपको ये कर्व्स सारे पता होने चाहिए कि ये सारे कर्व्स क्या हैं और हमारे सीखने के लिए यानी कि लर्निंग में कैसे हेल्पफुल है। जो आपके लिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे स्ट्रेट लाइन कर्व पूछ लेंगे कि वो आपके लिए कहाँ पे, मतलब वो आपको क्या चीज़ दर्शाता है या क्या चीज़ आपको शो करता है फिगर के अंदर, फिगर को देखकर। तो आपको ऑप्शंस में से छाँट कर बताना होता है कि आपको ये चीज़ आपका, मतलब करेक्ट ऑप्शंस आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस इस टाइप के बनते हैं, और बाकी बाद में जब ये वाला टॉपिक पूरा करवा दूंगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं कि पठार के कारण क्या होते हैं, यानी कि ब्रिंडेंस के रीजंस क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, किन किन रीजंस से हमारे जो एरर्स होते हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं। पहला एरर होता है बच्चे की इच्छा ना होना, मतलब अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में तो वो कुछ टाइम तक सीखेगा फिर सीखना बंद कर देगा। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी करवा रहे हैं बच्चों के साथ जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं है, जैसे कुछ पेरेंट्स करते हैं फोर्सफुली बच्चों को, कोई बोलते हैं कि नहीं आपको मेडिकल ही पढ़ना है लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसीलिए वो क्या करते हैं कुछ टाइम तक सीखते हैं फिर उसको सीखने में उतना इंटरेस्ट अपना नहीं लेते हैं। तो एक कारण ये है कि जो हमारी लर्निंग के अंदर एरर्स आते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा रीजंस और कॉज है वो यही है कि बच्चों का इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता है। तो इसीलिए ऑलवेज बोलते हैं कि जो हमारी लर्निंग होनी चाहिए वो स्टूडेंट सेंट्रलाइज होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंट्रलाइज होनी चाहिए, बच्चे की रुचि अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार, इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग बच्चा एक प्रॉपर वे में अपनी लर्निंग कर सके अपने इंटरेस्ट के टूवर्ड्स, ठीक है। सेकेंड रीज़न इसके अंदर आता है कि कई बार ऐसा होता है टीचर का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, सेकेंड रीज़न आता है ट्रांसफ़र ऑफ टीचर। इसके अंदर क्या आता है कि जैसे प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होते हैं, प्राइमरी क्लासेस के बच्चों की जो टीचर्स होती हैं उनको हम मदर टीचर बोलते हैं। मदर टीचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चे के साथ स्टार्टिंग से लेके, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक रहती है, इसीलिए उसको मदर टीचर बोलते हैं, क्योंकि वो उसके बारे में छोटी से छोटी चीज़ें जानती है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी लर्निंग पावर कितनी है, वो कितनी एबिलिटी से सीख सकता है, कितनी स्पीड उसकी सीखने की है, कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन तक वो सीख सकता है। वो एक एक चीज़ बच्चे के बारे में, अगर उसके क्लास में 20 बच्चे हैं तो वो 20 के बारे में इंडिविजुअल बता सकती है कि वो वाला बच्चा इतनी स्पीड से या इतने टाइम तक सीख सकता है या इतने टाइम तक नहीं सीख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर उस कंडीशन में किसी टीचर का प्राइमरी क्लास में, मान लीजिए दो क्लासेस के बाद उसका ट्रांसफ़र किसी और जगह हो जाता है और फिर वहाँ पे कोई नई टीचर आती है,
तो वहाँ पे क्या होगा, फिर उस टीचर को उतना ही टाइम वापस लगेगा अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए, उनकी स्पीड के बारे में जानने के लिए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए, उनका इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने में। तो इसीलिए अगर किसी कंडीशन में टीचर का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे लर्निंग में सीखने के लिए। अगर हम किसी टाइप की लर्निंग कर रहे हैं तो वहाँ पे टीचर का ट्रांसफ़र मतलब आपको फिर से दोबारा से फर्स्ट स्टेप से करके लास्ट के स्टेप तक जाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। थर्ड आता है इसमें छात्रों की मानसिक बीमारी या स्थिति, यानी कि मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं बच्चों की। अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ अगर प्राइमरी क्लासेस में या बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होता है या माँ को कोई बीमारी होती है जिससे बच्चे के अंदर मानसिकता में या उसकी मेंटल एबिलिटी में कोई ना कोई कमी आ जाती है। बच्चा मेंटल रिटायर्ड होता है या उसको सीखने में टाइम लगता है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता है, अब नॉर्मल होता है। तो इन ये सारी चीज़ें क्या होती है, सीखने में एरर्स पैदा करती हैं। अगर बच्चा अपनी क्लास में मतलब 20 स्टूडेंट्स में बाकी 19 बच्चे नॉर्मल स्पीड से सीख रहे हैं और टीचर क्या है उसी स्पीड से सिखा रही है, तो जो एक अब नॉर्मल बच्चा है उसको सीखने में टाइम लग रहा है तो वो 100% में से केवल 50% ही अचीव कर पाएगा, 50% बाकी उसके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा क्योंकि उसकी जो सीखने की पावर है वो बाकी बच्चों से थोड़ी स्लो है। तो वहाँ पे टीचर को क्या है, अगर टीचर को उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता है कि ये वाला बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर है, उसको सीखने में टाइम लगता है, तो टीचर वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखा सकती है कि बाकी बच्चों भी उसके साथ सीख सकें या उसको पर्सनली टाइम दे सकती है, पर्सनल गाइडेंस दे सकती है, उसके पेरेंट्स को बता सकती है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है या किसी और तरीके से उसको मोटिवेट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें थर्ड पॉइंट में आता है कि मेंटल एबिलिटी का हमारे जो पठार हैं यानी कि जो हमारे पिलोडेंट्स हैं उस पर फ़र्क पड़ता है, हमारा कॉज है एक तरह का, ये भी हमारा एक कारण है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर बच्चों का उदासीनता यानी कि इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पे लूज हो जाता है किसी टॉपिक को लेकर, तो वहाँ पे भी हम किसी तरीके की लर्निंग प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सीखने का समय यानी कि टाइम ड्यूरेशन। एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है जो छोटे बच्चे हैं उनकी लर्निंग पावर या सिटिंग पावर इतनी नहीं होती है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को बैठा कर एक घंटे तक लेक्चर देते रहेंगे तो बच्चा अब क्या करेगा, वहाँ पे सो जाएगा, उसको सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा कि आपने क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि उनकी सिटिंग पावर भी नहीं होती है इतनी होती ना, उनकी मेंटल एबिलिटी के थ्रू उनकी लर्निंग पावर भी इतनी स्ट्रेंथ ड्यूरेशन स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो आपको इतने टाइम तक बैठकर एक ही जगह पर सुन सके। लेकिन वही चीज़ अगर आप बड़े बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वो लेक्चर मेथड से पढ़ सकते हैं, अपनी सीट पर बैठकर एक घंटे के ड्यूरेशन के टाइम में वो एक लेक्चर बियर कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं, प्ले वे मेथड के थ्रू पढ़ा सकते हैं, उनके लिए छोटे छोटे यूनिट्स प्लान कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट 15 मिनट की हो सकती है, अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो बच्चे सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वहाँ पे अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कक्षा का वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट इन अ क्लासरूम। एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम, ठीक है। अगर आपकी क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा है जो बहुत पॉजिटिव है या एक्टिव है, जहाँ पे बोरियत नहीं हो रही है या बाकी चीज़ें आप इंटरेस्ट के थ्रू करवा रहे हैं बच्चों के, तो बच्चे वहाँ पे क्लासरूम में क्या है, एक एक्टिव लर्नर बनकर रहेंगे। लेकिन आप अगर स्टेज पे खड़े हो गए अपने प्लेटफॉर्म पे और बस बच्चों को लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाए जा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे, कोई इंटरेस्टिंग बुक नहीं है आपके पास जिसके अंदर पिक्चर्स नहीं है और कलर्सफुल्स नहीं है,
तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, बच्चा आपसे ठीक तरीके से नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चे के लिए जो इंटरेस्ट डेवलप्ड होता है वो ऐसी कर सकते हैं आपकी, उनको कलरफुल चीज़ें, पिक्चर्स, चार्ट दिखा के आप उसको वो चीज़ पढ़ा सकते हैं, स्टोरी सुना के पढ़ा सकते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं बड़े बच्चों के साथ। तो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट हो वो इतना पॉजिटिव हो, और शोर शराबा नहीं आना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। ये नहीं होना चाहिए कि अभी क्लासरूम में 10 बच्चे कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, स्पेस नहीं है, बेंचेस नहीं है, सिटिंग प्लेस नहीं है, या फिर लाइट्स प्रॉपर नहीं है, फ़ैन नहीं चल रहे, तो बच्चे गर्मी में भी नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है, तो वो भी उसके लिए एक कारण हो सकता है कि वो ठीक से देख नहीं पा रहे, ब्लैक बोर्ड क्लीन नहीं है, वहाँ पे भी वो ये चीज़ें नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए क्लासरूम एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, सिटिंग प्लेसेस अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और एयर वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यही सारे रीजंस होते हैं बच्चों के लिए लर्निंग में जो उनके लिए एरर्स उत्पन्न करते हैं, मतलब एरर्स आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं कि कर्व्स क्या होते हैं लर्निंग के, जो मैं अभी आपको बता रही थी वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके अंदर आते हैं हमारे कर्व्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब कर्व क्या होते हैं, देखिए एक ना एक सरल जो रेखीय है, मतलब चार्ट दिखाया गया है आपको एक तरीके से, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व्स क्या हैं, सर्कल्स क्या हैं, या चार्ट क्या है, जिसके द्वारा आप बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अब कैटेगरी आप कैसे डिवाइड करेंगे, उनकी मेंटल एबिलिटी के थ्रू करेंगे, जो बच्चा बहुत अच्छा सीख रहा है उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, जो बच्चा नॉर्मल स्पीड में सीख रहा है उसको अलग, जो उससे भी नॉर्मल में बिल्कुल स्लो लर्नर है उसको अलग, जो बिल्कुल कुछ नहीं सीख रहा है, जीरो सीख रहा है, उसको अलग रखेंगे। ठीक है, लेकिन आप उनको डिवाइड कैसे करेंगे, उसको डिवाइड करने के लिए आपके पास भी तो कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए ना एज अ टीचर। तो आपके लिए ये कर्व्स रखे गए हैं चार तरीके के, जिसके तरीके से आप बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि आपके क्लासरूम में कितने टाइप के बच्चे हैं, कौन से सरल रेखीय वक्र यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व के अंदर आते हैं, कौन से पॉजिटिव और कॉन्वेक्स कर्व में आते हैं, कौन से नेगेटिव और कॉन्केव में आते हैं, कौन से मिक्स्ड वाले हैं कि वो सभी में आते हैं। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि होते क्या है। पहली बात तो कर्व्स ऑफ लर्निंग जो हमारे वक्र है, जो हमारे वक्र हैं वो फोर टाइप्स के हैं, ये आपके सामने फोर टाइप्स के मैंने दिखाए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है उसमें सरल रेखीय वक्र यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व आपका कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व आपका ऐसा होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक बच्चा एक सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड में सीखता है। जैसे हम नॉर्मल बच्चे होते हैं कि आज मैंने कोई चीज़ जिस स्पीड में सीखनी स्टार्ट करी है तो मैं लास्ट तक उस चीज़ को उसी स्पीड में सीख पाऊँगा, ना ज़्यादा कम में कि मुझे 10 बार एक चीज़ बोली जाए तो मैं तब भी नहीं सीख पा रहा, और ना ज़्यादा अच्छा कि मुझे एक बार एक सेकेंड में कोई चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैं एक नॉर्मल स्पीड में सीखने वाला बच्चा हूँ तो मेरे साथ एक किसी पॉइंट को कुछ डिस्कशन के साथ समझाया जा रहा है तो मैं एक अपनी सरल वक्र यानी कि स्ट्रेट लाइन में एक नॉर्मल कर्व के अकॉर्डिंग उसको सीखूंगा। ठीक है, तो जो हमारी सरल रेखीय वक्र यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व है वो इस तरह से होता है कि स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट जो होता है वो सरल होता है, सेम होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है वो एक सेम स्पीड में बच्चा सीखता है। उसके बाद आता है धनात्मक यानी कि ऊनोतर वक्र यानी कि पॉजिटिव और कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, लास्ट में जाके बढ़ जाता है। इसका डायग्राम कैसे होता है, इसका डायग्राम ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है, लास्ट में जाके बढ़ जाता है। ठीक है, ये वाला जो कर्व है वो हमारा ये, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, ये अब आपको अच्छा ठीक से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना,
मैं इसको एक्सप्लेन, यहाँ पे देखिए जो कर्व वाला पॉइंट आया है, यहाँ पे ये जो कर्व बन रहा है इसमें क्या है, बच्चा स्लो स्पीड में सीखता है, यानी कि स्टार्टिंग में वो थोड़ा धीरे स्पीड में सीखता है, लेकिन बाद में जाके उसकी स्पीड क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो सीधी सरल रेखा के अकॉर्डिंग सीखने लगता है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह सीखने लगता है। कुछ बच्चे हमारी क्लास में ऐसे हो सकते हैं कि उसको स्टार्टिंग में किसी चीज़ को समझने के लिए टाइम लगता हो, मतलब वो स्टार्टिंग में अगर आप कोई टॉपिक उसको पढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग में वो नॉर्मल बच्चों की तरह जल्दी अचीव ना कर पा रहा हो, उसको थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लगे, या फिर आप उसको 3-4 एग्जांपल देंगे तब उसको थोड़ा समझ में आए। कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि आपने बस डेफिनेशन बताई और बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चों के साथ आपको वहाँ पर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देनी ज़रूरी हो जाती है। तो वो बच्चे हमारे पॉजिटिव और कॉन्वेक्स कर्व के अंदर आते हैं कि जो स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे और फिर बाद में अपनी एक नॉर्मल स्पीड में सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऋणात्मक ननोत्तर, यानी कि नेगेटिव और कॉनकेव कर्व। ये कॉन्वेक्स कर्व का बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर बच्चे स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम डायरेक्शन में सीखते हैं, बाद में जाके उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। तो जो कॉनकेव कर्व वाले यानी कि नेगेटिव कर्व वाले वो बच्चे होते हैं, उनके साथ क्या होता है, स्टार्टिंग में वो नॉर्मल स्पीड में सीखते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में उनकी सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में जाके उनकी गति स्लो हो जाती है। ये मैं लिख देती हूँ, सीखने की गति बाद में स्लो, और इसके अंदर स्टार्टिंग में मंद होती है, बाद में तीव्र हो जाती है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाली के अंदर था कि सरल रूप से सीखते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आपके सामने ऐसे डायग्राम दे देंगे कि ये वाली जो डायग्राम है वो आपको क्या एक्सप्लेन करती है कि इस टाइप के बच्चे कैसे होते हैं। तो आपको ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होगा कि जो सरल रूप से सीखने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये वाला कर्व होता है, तो इसलिए आपको कर्व की शेप अच्छे से याद रखनी है। देन जो पॉजिटिव और कॉन्वेक्स कर्व है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, मंद होते हैं, स्लो होते हैं, उनका कर्व थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता है, बाद में जाके वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड में सीखना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि बाद में उनकी जो स्पीड होती है सीखने की वो तेज हो जाती है। उसके बाद आता है नेगेटिव और कॉनकेव कर्व, यानी कि ऋणात्मक या ननोत्तर। तो उसमें क्या होता है, जो सीखने की स्पीड होती है वो स्टार्टिंग में तीव्र होती है, यानी कि स्टार्टिंग में तेज होती है, लास्ट में जाके उसका कर्व झुक जाता है थोड़ा सा, यानी कि वो लास्ट में जाके स्लो हो जाते हैं। कुछ बच्चों के साथ ऐसे होता है कि अगर कुछ टॉपिक है, कोई टॉपिक है, आप उसको बार बार पढ़ा रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत इंटरेस्ट से सीखेगा, बहुत जल्दी सीख जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ा दोगे, दो बार पढ़ा दोगे, 10 बार उसी चीज़ को पढ़ाओगे, तो बच्चा स्टार्टिंग में तो उसने बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया, बहुत जल्दी सीख गया, और वो सीखते सीखते अब इतना बोर हो गया कि उसने सीखना ही कम कर दिया, वो एक टाइम पर आके वो उसको सीखेगा ही नहीं, क्या है आप कुछ भी कर लीजिए, तो उसका वो जो कर्व है वो लास्ट में जाके थोड़ा झुक जाता है, नीचे की तरफ मूव करने लगता है, यानी कि बाद में जाके उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। अब लास्ट कर्व आता है हमारा, इसमें मिश्रित या एस कर्व, यानी कि मिक्स्ड और एक्स कर्व। इसके अंदर किस टाइप का कर्व है, इसके अंदर थोड़ा इस जिगजैग टाइप का कर्व है, मतलब इस स्पीड के अंदर जो हमारा मिक्स्ड और एस कर्व है उसके अंदर बच्चे अपनी किसी भी स्थिति के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, यानी कि मिक्स होता है, कभी तो वो बहुत सरल यानी कि तेज सीख लेते हैं, कभी कहीं रुक जाते हैं, कभी फिर स्लो हो जाते हैं, कभी फास्ट हो जाते हैं, कभी स्लो कभी फास्ट, वो ऐसे करके आप उनका कुछ बता नहीं सकते कि वो कौन से कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, कौन से को नहीं सीख रहे, कौन से उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन से में नहीं ले रहे हैं कॉन्सेप्ट में, कभी तो इतनी तेज़ गति से सीखते हैं
हैं कि बिल्कुल एक बार में उनको सब कुछ समझ आ जाता है, और कभी बिल्कुल इतने स्लो हो जाते हैं कि उनको 10 बार एक ही चीज़ बताओगे, 10 एग्जांपल्स के थ्रू बताओगे, चार्ट, टीचिंग एड्स, एक्टिविटी कुछ भी करवा लीजिए, उनको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के कर्व्स थे। स्ट्रेट लाइन कर्व जो बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड में सीखते हैं, उसके बाद पॉजिटिव और कॉन्वेक्स कर्व जो स्टार्टिंग में थोड़े स्लो होते हैं, बाद में जाके उनकी स्पीड फास्ट हो जाती है, और थर्ड टाइप तक नेगेटिव और कॉन्केव कर्व जिनकी स्टार्टिंग में गति तेज होती है, लास्ट में जाके थोड़ा कर्व मूव हो जाता है नीचे की तरफ, वो लास्ट में जाके स्लो हो जाते हैं। और फोर्थ टाइप है जो मिक्स्ड होते हैं, जो कब तेज हो जाते हैं कब स्लो हो जाते हैं लर्निंग में, उनका कुछ हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये कर्व्ड हमारे यहाँ पे फिनिश हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, क्योंकि ये वाले कर्व इम्पॉर्टेंट हैं, इनको रिवाइज कर लेना, और जो इसके पॉइंट्स हैं, जो मैं एक और जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वाली क्लासेस है जिसमें 10-10 पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके अंदर एक डायग्राम्स के थ्रू जितने भी प्रीवियस में पूछे गए थे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू सो मच।